हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। आज है गुरुवार 28 जुलाई 2022। समय हो चुका है सुबह के 11 बज चुके हैं। आज बहुत ही खास दिन है मेरे लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। आज मैं मेरे लाइफ में और एक नई कंट्री ट्रैवल कर रहा हूँ और एक नई सिटी ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज जा रहा हूँ पाकिस्तान के करतारपुर शहर में जाने वाला हूँ, जहाँ पे दरबार साहिब गुरुद्वारा है करतारपुर में। उसी के साथ मुझे आपको ये बताने में बहुत खुशी होगी कि नवंबर 2019 में भारत और पाकिस्तान सरकार ने एक साथ आके एक कॉरिडोर को मंजूरी दी, जिसको करतारपुर कॉरिडोर कहते हैं। इस कॉरिडोर के तहत भारतीय लोग पाकिस्तान में जा सकते हैं। ये वीज़ा फ्री कॉरिडोर है, जिस तहत आप विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। इसकी प्रोसीजर और मैं आपको धीरे धीरे बता देता हूँ, बट पहले चलते हैं इनसाइड। मैं अभी हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हो, इंटरनेशनल बॉर्डर टर्मिनल है जो डेरा बाबा नानक शहर में आता है, और इसके उस साइड करतारपुर बॉर्डर है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन तमाम लीडर्स लोगों का जिन्होंने ये पॉसिबल किया, ये कॉरिडोर ओपन किया। मैं शुक्रिया अदा करूँगा भारत और पाकिस्तान सरकार का जिन्होंने ये कॉरिडोर पास किया, और ख़ास शुक्रिया गुरु बाबा नानक देव जी को, जिनके कारण ये पॉसिबल हुआ। पोलियो की डोज दी जाएगी मुझे। सिक्योरिटी चेक हो चुका है और काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ है, और बिल्कुल होना भी चाहिए। अभी मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन पे, और पोलियो ड्रॉप्स भी हो चुके हैं मेरे। तो अभी मैं इंडियन इमिग्रेशन पास करके आगे आ चुका हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये इंडिया है, आप ये ज़ीरो लाइन है, और आप मेरे पीछे है ये पाकिस्तान। मैं आपको सच बताऊँ ना, मैं एक बहुत ही अलग इमोशन फील कर रहा हूँ अभी। इट्स जस्ट हार्ड टू एक्सप्रेस माई फीलिंग राइट नाउ। तो चलो चलते हैं पाकिस्तान। अभी मैं हूँ इंडिया में, अभी मैं पहुँच चुका हूँ ज़ीरो लाइन पे, और आया विद पाकिस्तान। तो मैं अभी पहुंच चुका हूँ पाकिस्तान में। मेरे पीछे बस खड़ी है, ये बस मुझे करतारपुर इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर लेके जाएंगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये करतारपुर कॉरिडोर में विज़िट करना है तो आपके पास तीन चीज़ें होना ज़रूरी है। इंडियन पासपोर्ट, दूसरा है ETA। ETA होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी। तो ये ETA ऑनलाइन प्रोसीजर है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ETA के बाद अब हमें लगता है $20 जो हमें करतारपुर इमिग्रेशन में देने हैं, और वो $20 लिए जाते हैं एक्सेस टू करतारपुर कॉरिडोर। तो बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पाकिस्तान आके। मैंने स्टार्टिंग में ड्राइवर से बात की, मैंने उनको पूछा कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ कि नहीं, तो ही सेड कि हाँ बिल्कुल आप बैठ सकते हो, आप जिधर चाहे बैठ सकते हो। तो इट्स वेरी वार्म वेलकम आई कैन से। पीछे अभी दो काउंटर देख सकते हो, ये करतारपुर इमिग्रेशन ऑफिस पीछे है। उससे पहले दो काउंटर आते हैं, और इसकी जो एक्सेस फी है करतारपुर कॉरिडोर की वो $20 है। तो हम इस बूथ से $20 एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के, और उसके आगे और एक बूथ है जिधर हम पाकिस्तानी करेंसी ले सकते हैं, क्योंकि करतारपुर गुरुद्वारा के बाजू में एक मार्केट लगती है। उस मार्केट में हम वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं, या कुछ सुवेनियर के लिए हम कुछ चीज़ें भी यहाँ से खरीद सकते हैं।
ये मैंने अभी पाकिस्तानी करेंसी ली है और ये $20 लिए है जो एक्सेस फी मुझे देनी पड़ेगी करतारपुर कॉरिडोर। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये करतारपुर का इमिग्रेशन ऑफिस है, यहाँ पे मेरी चेकिंग होगी, जो पास मैंने निकाला है वो देखा जाएगा और फिर मुझे एक्सेस दिया जाएगा गुरुद्वारा देखने के लिए। मेरा करतारपुर का भी इमिग्रेशन पूरा हो चुका है, उन्होंने कुछ ऐसा पास दिया है दरबार साहिब करतारपुर यात्री के नाम से। ये मेरी पीछे बस खड़ी है, वो हमें लेके जाएगी डायरेक्टली तो गुरुद्वारा, जो करीबन 5 किलोमीटर है। तो चलते हैं देख। ये आप देख सकते हो, ये रावी रिवर है जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज को। आपका नाम? दरवाजे से बाहर जाके हैंड वॉश लगा हुआ और वॉश बेसन बाहर जाके आप हैंड वॉश कर सकते हैं। और आप में से जो नंबर कसर दे गए हैं वो बिल्कुल सामने और लगा हुआ नंबर वाला वो आपको सामने काउंटर पर जमा करवाए। ओके, वो जो सामने टेबल है उसी टेबल के बिल्कुल नीचे जिस तरह के सामने कॉरिडोर बना हुआ बिल्डिंग के एंटर, और इसी कॉरिडोर से आप लोग एंटर होंगे। और इसी कॉरिडोर में थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो इसके सेंटर में बिल्कुल सुलभ साहब का प्रबंध किया गया है, आप लोग वहाँ स्नान कर सकते हैं। और जो मेन गुरुद्वारा साहिब है जहाँ बाबा जी की समाधि है वो बिल्डिंग के बिल्कुल सेंटर में है। आप उधर से क्या दर्शन हो रहे हो, हम बिल्कुल सेंटर में होंगे, उधर आप माथा टेकेंगे। उसके बाद अगर आप जाना चाहें नगर हाल तो जब आप अंदर जाके गुरुद्वारा साहिब को बिल्कुल इसके सामने देखेंगे उधर आपको एक बिल्डिंग नज़र आएगी। उस बिल्डिंग के फेस के ऊपर बड़ा सा लिखा होगा करतारपुर करता बसे। वो जो इस तरफ करतारपुर वाली बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के बिल्कुल बैक साइड नजर आएगा। उधर आप लोग खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद अगर आप में से कोई मार्केट जाना चाहता है कोई परचेजिंग के लिए तो जब आप लंगर हाल से बाहर निकलेंगे तो लंगर हाल के बिल्कुल करीब उसके बिल्कुल बैक साइड पर मार्केट है। मेरे साथ देख सकते हो ये अहमद भाई है, आप टूरिस्ट पुलिस से, तो ये हमें कुछ बोलना चाहेंगे। जी ऐसा है कि हम जो इंडियन से हमारे गेस्ट आते हैं हम उनको इधर वेलकम करते हैं। बेसिकली हम पंजाब टूरिस्ट पुलिस से हूँ मैं, राइट। और जो टूरिस्ट आते हैं उनको गाइड करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए हमारी ड्यूटी होती है। और मैं जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं इंडिया से, मैं खसूसी तौर पर उनको कहूँगा कि पाकिस्तान आएँ और देखें ये पाकिस्तान कितना एक ब्यूटीफुल कंट्री है और इधर आपको बहुत प्यार करने वाले लोग मिलेंगे। शुरू शुरू में जब लोग इंडियन इधर आते थे वो अक्सर बहुत डरे हुए होते थे, वो समझते थे पता नहीं पाकिस्तान बहुत ख़तरनाक कंट्री है, पता नहीं क्या होगा, जाके वापस भी आ पाएंगे कि नहीं। ये रियली मैं आपको बता रहा हूँ। और जब वो इधर आए और इधर लोगों से मिले और लोगों का उन्होंने बिहेवियर देखा, लोगों का प्यार देखा, तो बहुत हैरान हुए कि वाकई पाकिस्तान लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैं इनको दोबारा कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान आएँ और खसूसी तौर पर ये जो गुरुद्वारा साहब गुरु नानक है, ये बाबा गुरु नानक साहब इन्होंने अपने लास्ट 18 ईयर्स अपनी ज़िंदगी की इसी जगह पे गुजारे हैं और इधर उन्होंने प्यार का जो है वो एक दर्श दिया लोगों को। उसके अलावा उन्होंने इधर खेती बाड़ी की है और इस जगह से उन्होंने प्यार किया। तो मैं चाहूँगा लोग इधर आएँ, देखें और इस चीज़ को जो है वो प्रमोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई। बार मैं पहुंच चुका हूँ दरबार साहिब गुरुद्वारा में। माय गॉड, ये बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। मैंने सुना है कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी गुरुद्वारा है दरबार साहिब गुरुद्वारा, और ये सिखिज़म कम्युनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये गुरुद्वारा, क्योंकि सिखिज़म के जो पहले गुरु है गुरु बाबा नानक देव जी, उन्होंने जीवन के आखिरी 18 साल यहीं पे गुजारे थे।
ये अब्दुल अजीज है, आप कहाँ से हो सर? मैं वजीराबाद पंजाब, सियालकोट पाकिस्तान। ओके, तो ये सियालकोट पाकिस्तान से है, तो आप गुरुद्वारा देखने आए हैं? यस। ओके, ये पहली बार आए कि आप? ये मेरे दोस्त हैं, ये उनके बच्चे हैं, ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मैं तकरीबन सेकंड टाइम। ये सेकंड टाइम आए हैं? बल्कि थर्ड टाइम आया हूँ। थर्ड टाइम, बहुत ही बढ़िया गुरुद्वारा है, और आपके ऑफिसर ने भी हमारा बहुत ही अच्छा वेलकम किया कि जी। आपको कुछ कहना है कि जी बिल्कुल डेफिनेट कहना चाहूँगा कि दिस प्लेस इज वेरी इंटरेस्टेड फॉर अस एज वेल एज यू। एब्सोल्युटली, दिस इज द वन ऑफ द पॉइंट वेयर इंडियन एंड पाकिस्तानी बोथ आर। मैंने यूट्यूब में देखा कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े शहर है, इस्लामाबाद, कराची, जो देखने जैसे बहुत बढ़िया चीज़ें हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल, आप फैसलाबाद तो आप कहना जी हमारा वो पोधरी का मेन है, और इस्लामाबाद वन ऑफ द बहुत विजिटर पॉइंट है। उधर आपको पहाड़ मिलेंगे, उधर आपको जैसे कश्मीर का सिलसिला वही मिलेगा। ज़रूर ज़रूर, हम कोशिश करेंगे वहाँ। जी वायनाड गुरुद्वारा के अंदर ही एक कुआ है, गुरु बाबा नाना जी इसी कुएं का इस्तेमाल करते थे खेती के लिए और पानी के लिए। तो मैं आज आपको गुरु बाबा नानक जी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। गुरु बाबा नानक, इनका जो जन्म है वो 15 अप्रैल 1469 को तलकांडी गांव में हुआ था। अभी उस गांव को उनका खुद का नाम दिया है ननकाना, जो अभी पाकिस्तान में है। नानक देव जी ने आयु के 7वें उम्र तक ही हिंदी और संस्कृत भाषा सीख ली थी। वो बहुत ही ज्ञानी थे, उन्होंने हर धर्मों का अभ्यास करके रख चुका था। उनका कहना ऐसा था कि सर्वधर्म एक है, ईश्वर एक है। हम उनका गुरु बाबा नानक जी जो है वो हिंदू और मुस्लिम एकता के भारी समर्थक थे। आप उसका एक उदाहरण देख सकते हो, ये जो गुरुद्वारा है वो चालू हो गई। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो सिखिज़म कम्युनिटी है ना, दे ऑलवेज बिलीव इन सर्विस टू मैनकाइंड, सर्विस टू गॉड। इसी अभाव से हर गुरुद्वारे में लंगर लगा रहता है। मैं तो अभी मैं लंगर में खाना खा रहा हूँ, करतारपुर के पाकिस्तान के लंगर में। ये चावल है, राइस है, ये दाल है, ये सब्जी है, ये अचार है, और ये रोटी है। तो चलो चालू करता हूँ। अभी लंगर में खाना भी चस्के हो चुका है, बहुत ही शानदार टेस्टी खाना था, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट में, जो इसके आप देख सकते हो बाजू में ही है ये मार्केट पीछे के साइड। तो मैं कुछ शॉपिंग करूँगा यहाँ से, और अभी मैं पहुँच चुका हूँ भाई अजीता जी बाज़ार में, जो गुरुद्वारा के बिल्कुल बाजू में है। और यहाँ से आप कपड़े, जूते, एक यहाँ पे फेमस हलवा मिलता है, मुल्तानी हलवा, ये ले सकते हैं। और भी खाने की चीज़ें हैं यहाँ पे, वो भी आप आके ले सकते हो। टेस्टी पॉइंट करके एक शॉप है जहाँ पे चाय, समोसे, कांदा भजी मिलती है, बट फिलहाल वो बंद है। ये कपड़े का शॉप है, काफ़ी भीड़ है, मैं थोड़े टाइम के बाद आता हूँ यहाँ पे। ये खजूर और ड्राई फ्रूट्स की शॉप है। कौन सा है ये? पाकिस्तान का खजूर है, सिंध वाली साइड से। पाकिस्तान सिंध का खजूर है, अच्छा। और कोल्ड ड्रिंक भी है आपके पास? बोला
और कॉफ़ी पी रहा हूँ अभी अजीता जी बाजार में बैठ के। शॉपिंग भी हो चुकी है मार्केट में जो गुरुद्वारा के बाजू में है, तो अभी चलता हूँ बिकॉज टाइम हो चुका है 3:30 और लास्ट इसकी एग्ज़िट है 4:00, तो अभी मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स है इस, क्योंकि ये जो कॉरिडोर, ये जो करतारपुर में बना हुआ है जो दरबार साहेब गुरुद्वारा है, इसमें आप इधर रह नहीं सकते, आपको एक दिन के लिए सिर्फ एंट्री मिलती है और आपको सेम डे पे आपको एग्ज़िट करना पड़ता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ एग्ज़िट करने बाहर, क्योंकि टाइम हो चुका है जाने का। अभी भी जा रहा हूँ मेरे देश भारत में। सच बताओ तो मैं सुबह आया था यहाँ 11 बजे, अभी बजे है 4, और 5 घंटे कैसे गए पता ही नहीं चला। मैं सच बोलता हूँ आपको, मुझे यहाँ पे VIP ट्रीटमेंट मिला बोल सकता हूँ। हर पर्सन ने एक अच्छी से स्माइल दी, पूछा कि आप कहाँ से हो, अच्छी ग्रीटिंग्स मिली, सेल्फी मांगी मेरे से कई लोगों ने। मैं आज का दिन बिल्कुल कभी भूल नहीं सकता हूँ। I really don't have a words right now. आप भी आ सकते हो पाकिस्तान के करतारपुर शहर में, जहाँ गुरु बाबा नानक जी की दरबार साहेब गुरुद्वारा है। I hope आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा। Oh my God. मैं करतारपुर इमिग्रेशन करके वापस अभी इंडिया जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो मेरे पीछे, आप फेंसेस देखो, इस फेंसेस के वजह से हम अलग हुए हैं। 1947 में भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। एक ब्रिटिश लॉयर थे मिस्टर सिरियल रेडक्लिफ, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें कैसे रहना है। उनके वजह से करीबन 1.5 से 2 करोड़ लोगों को इधर से उधर और उधर से इधर आना पड़ा था। करीबन 10 लाख लोगों की जान इस पार्टीशन में गई थी। बहुत बड़ा पार्टीशन था ये दुनिया का। और बात वहीं तक सीमित नहीं रही, आज भी 2022 में भी भारत और पाकिस्तान के सैनिक मारे जाते हैं, तमाम आम लोग मारे जाते हैं इसके वजह से। भारत का और पाकिस्तान का जो पूरा GDP जो है वो डिफेंस में चला जाता है। हालांकि ये GDP की ज़रूरत है हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इसकी बहुत ज़रूरत है हमें। थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू पाकिस्तान गवर्नमेंट। मेरा करतारपुर पाकिस्तान का ट्रिप पूरा हो चुका है। मैं सबसे लास्ट में माफ़ी मांगना चाहूँगा किसी भी व्यक्ति को, अगर ये मेरा ट्रिप पसंद नहीं आया रहेगा तो। मेरा इसके पीछे किसी को भी हर्ट करने का इरादा बिल्कुल नहीं है। मैं एक ट्रैवलर हूँ, ट्रैवलिंग इज़ माई पैशन। मैं ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको मेरे ट्रैवलिंग जर्नी के थ्रू इंस्पायर कर पाऊँ, यही मेरा उसके पीछे उद्देश्य था। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।